हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवधन कुमार। आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल श्री शिवधन में स्वागत है। इस चैनल में देखे गए वीडियोस अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए चलते हैं ब्लॉग वीडियोज़ के साथ। सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा और सभी से अनुरोध है कि तालियों के गड़गड़ाहट से इस बच्ची का उत्साह वर्धन करें। बहुत बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। दत्ता दीदी ले माइक पकड़। तो हमारी बेटी तनु आ रही है बस पर। इनके जो समय निर्धारित था वो तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अपनी मंजिल की ओर जहाँ से वो उतरी थी वहीं पे निकलेगी। जहाँ से उतरी थी वहीं पे वो संवरेंगी, सजेंगी और जिस तरह से उस घाट पे हमारी बेटी फिर से कदम रखेंगी जहाँ से उतरी थी। तनु पिटिया जिंदाबाद, वेल डन। समय समय जिस तरह से तपस्या, हाँ वहीं पे उस घाट पे तनी उतरी थी और आज वहीं पे चढ़ेंगी। ये उतराई और चढ़ाई दोनों का सफर 5 घंटे में तय किया है तनु ने। अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे बच्चे सबके हैं, बच्चे सबके हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है, बहुत बड़ा हौसला दिखाया है। और इन बच्ची को वरिष्ठ नागरिक, हमारे यंग जनरेशन कैंडिडेट बंधुओं एवं भाइयों तथा माताओं व बहनों, बच्चे, यंग जनरेशन जितने भी आए हुए हैं यहाँ, और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिनके लिए सिर्फ गांव ही नहीं पूरा देश ताली बजा रहा है। इनका प्रसारण यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। इस बेटी को हर व्यक्ति देख रहा है। ये कितनी खुशी की बात है कि हमें आज 2-4 लोग नहीं देख पाते, इस बेटी को पूरा जमाना देख रहा है। केवल 3 नहीं बल्कि 4 विश्व रिकॉर्ड बना है। 3 तो तैराकी का है और चौथा जो उनके कोच है ओम कुमार ओझा जी, सबसे कम उम्र के कोच होने का भी एक विश्व रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। तो ऐसे 4 विश्व रिकॉर्ड हम लोगों ने पूरे गांव में बनाया है और ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद। नौजवान, वरिष्ठ नागरिक, यंग जनरेशन, बहुएं, बेटियां, और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि बहुत अच्छा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। ओलंपिक में भी हमारे देश का नाम रोशन करें। अभी तो केवल गाँव की बात कर रही है, हम कहते हैं पूरे देश का नाम रोशन होना चाहिए। खो खो में कोई जीत जाता था तो मैं आलोक कुमार गोल्डन बुक का वर्ल्ड कार्ड से। गोल्डन बुक का वर्ल्ड कार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में जो यूनिक कार्य होते हैं, हटके काम होते हैं, अपने आप में पहली बार होते हैं, उसे वर्ल्ड कार्ड के रूप में लिया जाता है। आज उसी कड़ी में तनुश्री कोत्रे ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में यूनिक है। 5 घंटे में सबसे ज़्यादा किलोमीटर तैराकी करने का रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड अभी तक था नहीं। ये 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं, एक होता है रिकॉर्ड ब्रेक करना और एक होता है रिकॉर्ड न्यू बनाना। तो आप खुद सोच सकते हैं 9 साल की उम्र में 5 घंटे तैराकी की कल्पना करना भी आसान नहीं है। तो आज तनुश्री ने जो काम किया है, शायद उनके माता पिता ने पहले उसके आगे श्री लगा दिया है तनुश्री, जो वाकई उसके जितना रिस्पेक्ट किया जाए कम है। मैंने सैकड़ों इवेंट्स अटेंड किए होंगे पर आज मैं अपने आप इमोशनल हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ, कह सकता हूँ कि वाकई ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। मजाक नहीं, मैं रियली इमोशनल हो जा रहा हूँ। सोच के पूछिए ना कितनी बड़ी बात है। आप देखे और देख के आप इमोशनल हो गए। हाँ हाँ, सच बता रहा हूँ। पहले चंद्रकला ओझा ने
8 घंटे की तैराकी की थी, उस समय भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। और यहाँ के बच्चों में ही कुछ ऐसा है जिसको मैं बता नहीं सकती, मतलब वर्णन करना मेरे लिए तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ इसके लिए। अभी भी बच्ची जो निकली है उसका पल्स रेट सैचुरेशन उसका 96% था। बच्ची के चेहरे पे 1% फिकर नहीं थी कि उसको कुछ वीकनेस लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। 96% पर उसका सैचुरेशन, 100 पल्स, बीपी 170, मतलब वो बच्ची और तैरने को तैयार है। 3 घंटा और तैरा दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी खुशी इतनी अच्छी, उससे इतनी ज्यादा है, उसको लग रहा है कि हाँ सही में कुछ नया, उसको उससे एक बचपना वाला फीलिंग आ रहा है उसको। वो बहुत उसको गैदर कर रही है, उसको कह रहे मेरे को ये करो वो करो बहुत ही। और यहाँ के बच्चों में ही कुछ क्वालिटी है, बहुत अच्छा है यहाँ के बच्चे, स्टेमिना भी काफी अच्छी है, 3 घंटे और तैरा सकते हैं यदि हमारे पास कोई दबाव ना होता तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेडिकल साइंस और जो खेल के जानकार हैं उसके हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से उनको एक्सरसाइज और विभिन्न खेलों में उनका जो समय है निर्धारित है, एक समय तक उसको एक्सरसाइज कराया जाता है एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो क्षमता है दक्षता है वो एज ग्रुप के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो निश्चित रूप से ये 5 घंटा तैरना और उसके बाद पूरे बॉडी का सारे पार्ट्स एकदम सही होना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम सब बच्चों को ये कहते हैं, पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि आप लोग बच्चों को खेल से जोड़िए, खेल से जोड़ने के बाद बच्चा स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा रहेगा और वो चीजों को अच्छी तरह समझकर सामना करेंगे। और वो खुशी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अनुश्री को से बहुत ही आनंद पूर्वक नाव में बैठकर वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल और प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। सभी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट। ईश्वर ओझा, कुलदीप यादव और महेश ओझा सब वहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं। बोलो भारत माता की जय, झंडे की जय, जय। बहुत बहुत बधाई तनुश्री, तनुश्री कैसा हो, तनुश्री कैसा हो, थोड़ा भी शिकन नहीं है, एक भी नहीं, रुक जा खूब बधाई सबको। और यहाँ का पूजा देने के लिए हमारे बीच श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख जी, नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष देवानी जी, उनके पूरे परिवार सचिव, आप सभी मीडिया में देख सकते हैं कि गांव की उप सरपंच बालिका ने जो लगभग लगातार 5 घंटे तैराकी कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है।